नमस्कार, आप देख रहे हैं जंगल तक। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य सभी वन्य जीव प्रेमियों और उत्साही लोगों के लिए सबसे अनूठा गंतव्य है। कूनो में प्रवेश करते ही करधई, खैर और सलाई की बहुतायत वाले अनूठे जंगल बहुत ही आकर्षक हैं। और विशाल घास के मैदान में दर्जनों की संख्या में घास चरते हुए वन्य जीव अत्यंत मनमोहक प्रतीत होते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 350 वर्ग किलोमीटर की अभयारण्य के रूप में शुरू हुआ था और एक पत्ती के आकार का था, जिसके बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह बहती कूनो की निर्मल धारा अत्यंत मनमोहक प्रतीत होती है। यह नदी न केवल जंगल में एक निरंतर पानी की आपूर्ति करती है, बल्कि जंगल की सिंचाई करने में मदद करती है। इस नदी ने राष्ट्रीय उद्यान को अपना नाम भी दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्थान के महत्व को महसूस करते हुए 1981 में लगभग 3,300 वर्ग किलोमीटर के बड़े वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 345 वर्ग किलोमीटर के कूनो वन्य अभयारण्य की स्थापना की। वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत करने और इस क्षेत्र की उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर के रूप में जोड़कर 2000 में 1,232 वर्ग किलोमीटर के कूनो वन्य जीव प्रभाग की स्थापना की गई। शुष्क घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय नदी वाले वन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यह पशुओं की विभिन्न प्रजातियों में समान रूप से समृद्ध हैं और इस प्रकार यह क्षेत्र वन्य जीव के लिए विभिन्न अनुकूल कारकों का एक दुर्लभ समावेश प्रदान करता है। एक बार जब इस क्षेत्र को एशियाई सिंघम के पुनर्वास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में पहचान लिया गया, तो तत्कालीन प्रबंधक ने इस क्षेत्र को सुधारने के लिए दीर्घकालिक प्रयास करना शुरू कर दिए। पार्क प्रबंधक द्वारा किए गए लगातार प्रयासों और गांवों के स्थानांतरण के बाद से इस क्षेत्र पर जैविक दबाव कम हो गया और पार्क में पेड़ों, वन्य जीवों और पक्षियों के घनत्व पर निरंतर सुधार हुआ। कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में वन क्षेत्र में मुख्य रूप से करधई, सलाई, खैर के पेड़ों का वर्चस्व है, जो ज्यादातर मिश्रित जंगलों के बीच है। इससे वनस्पतियों और जीवन की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर 130 प्रजातियों के पेड़, झाड़ियों की 71 प्रजातियां, बेलों और विदेशी वनस्पति की 32 प्रजातियां, बांस और घास की 34 प्रजातियां कूनो नेशनल पार्क में पाई जाती है। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों से भी समृद्ध है। यहाँ स्तनधारी की 33 प्रजातियाँ, पक्षियों की 206 प्रजातियाँ, मछलियों की 14 प्रजातियाँ, सरीसृपों की 33 प्रजातियाँ और उभयचरों की 10 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और भारत के समृद्ध, आकर्षक और मनमोहक उद्यानों में शामिल है।